बता रही हूँ। सबसे पहले दो अंडा ले लेंगे जर्दी के सहित, पूरा होल अंडा लेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेटेंगे खाली अंडा। फिर एक कटोरी हम इसमें चीनी डालेंगे, पिसा हुआ चीनी है। फिर इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। दो चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और फिर फेटेंगे। अभी हमारा अंडा मिक्स हो गया है, अब हम इसमें 5 चम्मच मैदा डालेंगे, फिर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। आपको पसंद हो तो फूड कलर डाल दें, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है वो। हमारा मिक्सर एकदम फिट आ गया है, अब इसे हम बेक करेंगे। अब बेकिंग ट्रे में ग्रीसिंग करके अपना बैटर इसमें डाल दीजिए और जितना देर में आपका ओवन में ये बेक होगा उस हिसाब से आप हीट कर लीजिए, बना लें। केक का हमारा स्लाइस बनके तैयार है। अब जब ठंडा हो जाए तब इसमें आप जैम चाहे ये क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर। अब हमारा केक पे क्रीम लग गया, अब इसको हम धीरे धीरे करके रोल बनाएंगे। इस तरह करके धीरे धीरे करके हम रोल करेंगे और फिर फॉइल पेपर को भी इसमें अच्छे से फोल्ड करके 10 मिनट के लिए हम इसको एकदम टाइटली फोल्ड करेंगे और फ्रिज में हम फ्रिज कर देंगे। तो इसको स्लाइस बहुत अच्छा कटता है, एकदम टाइट पैक कीजिएगा तब स्लाइस बहुत अच्छा कटता है, एकदम मार्केट की तरह। इस तरह से हम टाइट पैक करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, तो सेट हो जाएगा तो कटेगा बहुत अच्छा स्लाइस। लीजिए हमारा केक रोल एकदम बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर जैम का एक लेयर लगाएंगे, हल्का हल्का लगा के फिर हम इस पे शुगर का एक कोटिंग करेंगे, फाइन पेस्ट शुगर का। मसाला लीजिए बन के हमारा स्विस रोल तैयार है। हम इसको जितना आपको मोटा चाहिए उस हिसाब से रोल को हम काट लेंगे। अगर आपको मेरा ये स्विस रोल का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़।